1 2 3 गो। ये तो ये देख सकते हो इस तरह से ये ब्लॉक, और ये इसको वाइट को बंद कर देते हैं, ये देख सकते हो कैसा ब्लू ब्लू। तो गाइस शो पे बेटा बेटा कुछ काम नहीं कर रहा था, तो एक आइडिया मिला मेरे दिमाग में। तो हमारे वेस्ट ब्लॉक आता है जो हमने करंट वाले, तो ये देख सकते हो ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक आते हैं जो देख सकते हो, ये अपने चेंज नहीं होता है, उसकी डेट एक्सपायर डेट निकल जाती है। उसको हम एलईडी बल्ब और रंगीन बल्ब कैसे बनाएं आज इस वीडियो में देखने वाले। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है एक एलईडी बल्ब पे, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो गाइस आगे हम अपने एक वेस्टेज बल्ब पे, तो ये देख सकते हो सारे बड़े बड़े बल्ब है। तो हमारे पास एक ऐसा बल्ब है जो काफ़ी गंदा हो रहा है, इसको वॉश करके एकदम कम्प्लीट करेंगे। तो इसको खोलते हैं फटाफट से। तो गाइस देख सकते हो हमने खोल लिया इसको, ये देख सकते हो इसमें इतने पुर्जे आते हैं, एक एल्यूमिनियम प्लेट आती है और एक सर्किट आती है जो उड़ जाती है, देख सकते हो काली काली हो रही है पूरी। तो ये देख सकते हो पूरी काली काली हो गई है, और अपना ये बल्ब है। तो इसको एकदम कम्प्लीटली वॉश करते हैं, फिर इसको दिखाते हैं आपको रंगीन लाइट किस तरह से बनती है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने सेटअप पे। तो गाइस देखिए हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। तो हमारे पास है 4 LED जो अपने डायरेक्ट लाइट से कनेक्ट होती है, जो देख सकते हो रेड ब्लू और पिंक और अपने गोल्ड कलर, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है पिंक है और एक गोल्ड कलर है। तो अपना ये देख सकते हो एक LED बल्ब आता है, हम तारीख लगा के देते हैं, अपने जो भी LED बल्ब लेते हैं उसके तारीख डेट लगी हुई आती है। इसको साफ कर लेते हैं और एकदम क्लीन करके आपको दिखाते हैं। ये अपना इसका ऊपर ये केप लगता है जो, और अपने ये बीच में अपने होल्डर में लग जाता है, और ये एक एल्यूमिनियम आती है प्लेट जो हमने पहले वाली प्लेट को निकाल दिया है, और इसके अंदर रहेगा या ठंडा रहेगा, इसे गर्म ज़्यादा होती है इसी के कारण, तो ये इसके ठंडा करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो फटाफट से इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो पहले से हम सबसे पहले बनाएंगे हम गोल्ड कलर ही बनाएंगे, और दूसरा कलर बनाना हो तो दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसके लिए दूसरा वीडियो आएगा। तो ये देख लीजिए, तो फिर आप बाद में ये तीनों का वीडियो अलग से बनाएंगे। तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और किस तरह से ये बल्ब चलता है। तो फटाफट से इनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं किस तरह से ये चलते हैं। तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको इसके कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं। तो गाइस देखिए फाइनली हमने एक अच्छा सा बल्ब बना दिया है, देख सकते हो। तो एक कैप इसको काफ़ी खोलना आसान है, ये देख सकते हो इस तरह से फिटिंग हो चुकी है, और इस कैप को ऐसे घुमाया वापस ये लग गया, देख सकते हो काफ़ी अच्छी लुकिंग आ रही है। तो इसको टेस्ट करते हैं किस तरह से ये चलता है। फटाफट से इसके एक मैंने जुगाड़ बनाया ये होल्डर वाला, तो इसके अंदर ये लगा दिया, ये लग गया, और ये वायर अपने इसके अंदर लगा देने गए। तो लगाते हैं इसके अंदर स्विच बंद, और ये लग गया इसके अंदर जैकपॉट, वायर निकल गए, और इसके अंदर लगाते हैं अभी 1 2 3 गो। ये तो ये देख सकते हो इस तरह से ये बल्ब, और ये इसको वाइट को बंद कर देते हैं, ये देख सकते हो कैसा ब्लू ब्लू। और जो भी अपने रिंग लाइट वगैरह ऐसा कुछ बनाना चाहते हो तो ये इस तरह से बन जाएगा, रिंग लाइट और अपने ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन देख सकते हो, इतना जबरदस्त हो रहा है। ये देखो ये वाइट अपना, तो ये ब्लू काफ़ी अच्छा तरह का कलर वाला बल्ब बन चुका है।